कौन है वह महिला जिसके दो हस्बैंड हैं? वह कौन है जिसने डॉल से शादी की है? हस्बैंड और वाइफ की हाइट में इतना डिफरेंस आपने कभी देखा नहीं होगा। इसके अलावा और भी बहुत कुछ ऐसा जिसे देखकर आप पलक झपकना भूल जाएंगे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपना यह शानदार वीडियो। नंबर एक, शरील एंड कुरान। आइए अब आपको मिलवाते हैं हमारे पहले जोड़े से, जिनका नाम है शरील एंड कुरान। जोड़ी की खास बात क्या है? इस जोड़े की खास बात यह है कि इसमें जो कुरान उनकी उम्र है 23 साल और जो शीरल हैं उनकी एज है 60 साल। चौंक गए ना आप लोग? सोचने वाली बात तो यह है दोस्तों कि इतना बड़ा एज डिफरेंस आप लोगों ने शायद कभी नहीं देखा होगा। इन लोगों ने न केवल शादी की है दोस्तों, बल्कि इन लोगों ने 300% हेल्दी बच्चे भी पैदा किए हैं। यह दोनों इस पूरी दुनिया के लिए आदर्श हैं, जहां पर लोग लाइफ में कई बार ब्रेकअप कर लेते हैं और अपने पार्टनर बदलते रहते हैं, वहां पर इन लोगों ने मैरिड होने के साथ भी अपना इतना लंबा जीवन बिताया। यह मिसाल है उन लोगों के लिए जो बार बार अपने पार्टनर चेंज करते हैं। इस तरह के जोड़े देखने के लिए कमी मिलते हैं। आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेशन में आपका इंतजार कर रहा हूं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताना जरूरी है कि यह लोग सोशल मीडिया पर काफी बड़े लेवल पर फेमस हैं और इन्हें तो टिकटॉक में सेलिब्रिटी का दर्जा भी दिया गया है। नंबर दो, एंटन और चाइना बेल। हमारा जो अगला जोड़ा है उसमें जो बंदा है उसका नाम है एंटन क्राफ्ट, और अब बारी है आपके आश्चर्यजनक होने की, क्योंकि हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आश्चर्य होगा। एंटन क्राफ्ट को बचपन में ही एक बीमारी ने ग्रसित कर लिया था। इस बीमारी ने इनके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट किए, लेकिन उसका एक बुरा असर यह हुआ कि मिस्टर एंटन की हाइट नहीं बढ़ पाई और वह बोने के बोने ही रह गए। अब इतनी कम हाइट में इनके लिए लाइफ चैलेंज के समान इनके सामने खड़ी हो गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कमजोरी को ही ताकत बना लिया, एक सक्सेसफुल बंदा बनकर सामने आए। अब हम आपको मिलवाते हैं उस इंसान से जिसने इन्हें पसंद किया। इसका नाम है चाइना बेल, और इनकी हाइट के सामने तो मिस्टर एंटन की हाइट भी कुछ भी नहीं। चाइना की हाइट 6.3 फुट है, जो किसी WWF पहलवान की जैसी है। लेकिन दोनों में कनेक्शन स्थापित हो गया और दोनों ने शादी कर ली। आपको आश्चर्य तो जरूर हो रहा होगा कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें और बताना चाहूंगा कि दोस्तों जो चाइना बेल है यह पहले मेल हुआ करती थी, फिर इन्होंने जेंडर चेंज सर्जरी करवाई और इसके बाद यह फीमेल में कन्वर्ट हो गई। चाइना वर्कआउट करने के लिए जिम में जाती थी, तो वहां पर इनकी मुलाकात हुई मिस्टर एंटन से और दोनों में कनेक्शन बन गया और दोनों मैरिड हो गए। अब तो आपको सारी कंडीशन क्लियर हो गई होंगी। यार इतनी तस्दीक से आपको सब कुछ हम बताते हैं, एक लाइक तो कर दिया करो यार। नंबर तीन, जियो टिन रोंग एंड मार्टिन। आइए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे वर्ल्ड फेमस जोड़े से जिनके बारे में हम ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकते, आप खुद ही देख लीजिए। दोस्तों इस जोड़े का नाम जियो टिन रोंग एंड मार्टिन। अब हम आपको बताते हैं इस जोड़े में खास या आश्चर्यजनक क्या है। इस जोड़े की जो आश्चर्यजनक बात है जो इसे होल वर्ल्ड से अलग बनाती है वह है जो मार्टिन है ना, वह एक्चुअली एक ह्यूमन बीइंग इंसान नहीं है। मतलब क्या है? अरे मतलब भैया वह इंसान नहीं है, वह है एक डॉल। जी हाँ, एक बेजान डॉल। लेकिन खबरदार, जियो के सामने या बिल्कुल भूलकर भी कहने की हिम्मत नहीं करिएगा, क्योंकि भैया जियो ने तो उसी के साथ में शादी की है। जियो ने अपनी लाइफ उसी को दे दी है। जियो को अब किसी और के साथ की जरूरत नहीं, वह मैरिज नहीं करना चाहती। उसका कहना है कि यह डॉल पहले मुझे अट्रैक्ट किया करती थी, फिर मुझे समझ में आया कि मेरा इसके साथ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अट्रैक्शन है और इसलिए उसने इसके साथ मैरिज कर ली। अब उसके साथ कहीं भी जा सकता है, उसे कहीं भी घुमाने ले जा सकता है और चाहे तो जितने भी पैसे खर्च कर सकता है, इसमें जियो को कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आप इस कपल के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। नंबर चार, सिल्वा और मेरिडस। दोस्तों अब जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं वह एक्चुअली ब्राजील से संबंध रखता हो। इस जोड़े में जो मेन है उसकी हाइट है 7 फुट 8 इंच। अब अगर हम बात करें उनकी वाइफ की तो उनकी हाइट है सिर्फ 3 फीट। दोस्तों यह आप ठीक सुन रहे हैं, उनकी हाइट 3 फीट है, उनकी हाइट 3 फीट से कम है, लेकिन यह एक सक्सेसफुल कहंदी बना रहे हैं। यह दुनिया का एक विचित्र जोड़ा बन के सामने आए हैं दोस्तों। लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इनके इस फ्रेंड्स का असर इनके हेल्दी रिलेशनशिप में कभी नहीं पड़ा। नंबर 6, शॉन स्टीफेंसन मिंडिनेस। इनका जन्म एक बीमारी के साथ हुआ, बीमारी का नाम था ऑस्टियोजेनेसिस।
इनफरफेक्टा। इस बीमारी में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और आसानी से फ्रैक्चर हो जाती हैं। शॉन की मुलाकात मैंडी से हुई और दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं कि शॉन व्हीलचेयर पर ही बैठे हुए हैं और फिजिकल रूप से वीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ में काफी एंजॉय कर रहे हैं। मैंडी की मुलाकात एक म्यूचुअल फ्रेंड के द्वारा हुई थी। दोनों सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हुए, लेकिन दोनों के द्वारा दिए गए नेगेटिव कमेंट को वह नजरअंदाज करके जीने की कोशिश करते हैं। इनके इमोशनल रिलेशन के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 7, जॉन एंड फ्रांसिस। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं एक ऐसे बंदे के बारे में जो कि जन्म से ही एक ऐसी डिसेबिलिटी लेकर पैदा हुआ, जिसके कारण वह अपना जो जबड़ा था उसे बंद ही नहीं कर पाते थे। फ्रांसिस जॉन एक ऐसी बीमारी के शिकार थे जिसमें वह अपना जबड़ा बंद नहीं कर पाते थे। उनके जन्म के ये लक्षण थे और अपनी फाइनेंस क्षमता के अनुसार जॉन के माँ बाप ने उन्हें अच्छे से अच्छे इलाज करवाने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला और परेशानी जैसी की तैसी बनी रही। लेकिन इसके बाद इस कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उन्हें खाना खाने और बात करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी और इसके अलावा कई लोग उन्हें पसंद भी नहीं किया करते थे। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन अब सवाल यह खड़ा हो रहा था कि इस जॉन से शादी कौन करेगा। लेकिन जॉन को भी दुनिया में एक ऐसा इंसान मिला जो उसे बेहद पसंद किया करता था और कुछ ही समय के बाद इन लोगों ने शादी भी कर ली। आज कई सालों से यह लोग मैरिज करके अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फ्रांसिनी जो कि उनकी वाइफ है, उनके द्वारा बताया गया कि शुरू में वह जॉन से जस्ट बात किया करती थी और ऐसा उन्होंने जॉन को रिस्पेक्ट शो करने के लिए शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें जॉन से प्यार हो गया और वह रिलेशन डेवलप हो गया और अंत में जाकर उन लोगों ने शादी कर ली। नंबर 8, हेलन शंबागू एंड सनीले मासी लैला। अब बारी आती है हमारे इस वीडियो सीरीज के नंबर 1 विजेता की। शौक लगने वाला है, अपने आप को संभाल कर बैठिए, क्योंकि 60 साल की हेलन ने शादी की है 8 साल के लड़के से। हेलन ऑलरेडी 5 बच्चों की माँ है। हेलन के अनुसार उनके ऑनसिस्टर्स की आत्माएं उनसे मिलने आती हैं और उनसे कहती हैं कि तुम एक 8 साल के लड़के से शादी कर लो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। मासी लैला के पेरेंट्स को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वेडिंग सेरेमनी के खर्चे के लिए उन्होंने हेलन को $1500 दिए। हालांकि दोनों ने वेडिंग पेपर साइन किए जस्ट एंसेस्टर्स की स्पिरिट्स को प्लीज करने के लिए थी। मैरिज फिजिकल नहीं होने वाली थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अजीब शादियों में से आपको कौन सी शादी शॉकिंग लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप इनमें से बेस्ट कपल किसे मानते हैं कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।